नमस्कार प्रशिक्षु, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे। अपनी स्ट्रेटजी जो आप बना के रखे थे पढ़ाई के लिए बहुत ही पर्याप्त था, और आपको ये जरूर अनुभव हो रहा होगा कि हमारे एग्जाम्स सारे के सारे निकल जाएंगे। हाँ, हम DLED 2022 के एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, और कुछ बच्चों का नाम होगा सर CTET UPTET कब होगा, तो उसके लिए हम वीडियो सेपरेट बनाएंगे। घबराने की चिंता कुछ नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा सहयोग किया करें, अंत तक बना रहा करें जो भी वीडियो आया करे, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपका काम है, आप जरूर किया करेंगे, इस बात को हमें पूरा का पूरा विश्वास है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, जिसके लिए वीडियो बनाए हैं हम यहाँ पे। साथ ही आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं इसके रिजल्ट कब आएंगे, इसके पहले हम एक विषय पर चर्चा कर लेते हैं। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि स्कूटनी का रिजल्ट हो DLED का, तो करीब 3 महीने बाद ही देते हैं, अगर हम फोर्स ना करें तो। अगर फोर्स करें तो लगभग उपाध्याय सर के कार्यकाल में आप देख रहे थे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके रिजल्ट आ गए थे स्कूटनी के थोड़ी, यहाँ तक जो बैक वाले एग्जाम दिए थे प्रशिक्षु, उनका एग्जाम के रिजल्ट आ गए थे, और वह UPTET का फॉर्म भरने के एलिजिबल हो गए थे। तो ऐसे में अगर हम लोग चाह लें तो लगभग 2.5 महीने से 2 महीने के अंदर, मतलब 2 महीने 2.5 महीने के अंदर अंदर आपके रिजल्ट आ जाएँ। लेकिन साथ ही अगर थोड़ा सा विलंब होगा, आप लोग ढीले पड़ोगे, तो आपके एग्ज़ाम के जो रिजल्ट हैं लगभग 3 महीने से पहले तो नहीं आने वाले हैं। ऐसे में आपका सेशन लेट होगा, और आपके जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं, और फोर्थ और सेकंड सेमेस्टर के जो फ्रेश हैं, प्लस जो बच्चे बैक वाले होंगे, उनका एग्ज़ाम फिर से लेट होगा। तो ऐसे में आप लोग से विनती है भाई कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इतना शेयर करिए कि हमारे साथ और भी विद्यार्थी जुड़ सकें, और भी प्रशिक्षु जुड़ सकें। जब भी हम आह्वान करें आपके धरने का, तब सारे प्रशिक्षु एकजुट होकर वहाँ पे चल सकें। प्लीज़ आपसे विनती है कि अपनी संख्या बढ़ाएं। इसमें देखिए, हमारी बातों से आप यह मत सोचिएगा कि सर ऐसे ही बोलते हैं, साथ ही बहुत ही संगठन में बहुत शक्ति होती है। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, समय से पहले, इतना याद रखना। साथ ही अगर वह चाहते हैं तो आपके रिजल्ट जो है 4 महीने में भी निकालेंगे, अगर आप ऐसे ढीले पड़े रहोगे, अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो। आवाज़ उठाए तो एग्ज़ाम हुआ, आवाज़ उठाए, यहाँ तक कि आवाज़ उठाए तो डेट आया, आवाज़ उठाया गया तो प्रत्यावेदन वाले का फॉर्म भरा गया, एक तरह से प्रत्यावेदन जमा हुआ, प्लस उनका एडमिट कार्ड आया। आवाज़ उठाया गया तो आपके एग्जाम के शेड्यूल आए, फिर से टले, फिर से आए, है ना। आवाज़ उठाया गया कि आपका सब्जेक्टिव डेट शीट आया, मतलब समझ रहे हो, हर एक चीज़ DLED में आवाज़ बिना उठाए तो नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हो रिजल्ट आपका जल्द से जल्द घोषित हो, तो इसके लिए आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा, और इसके लिए पूर्ण सहयोग आपको ही करना पड़ेगा। नहीं तो अन्यथा 3 महीने तो मैक्सिमम ले ही लेते हैं ये लोग, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 3 महीने ले लेते हैं, मैक्सिमम 4 महीने तक भी जा सकता है। तो ऐसे में आपके सेशन डिले ना हो, आप चाहते हो कि हमारा एग्ज़ाम जो दूसरा वाला अगस्त सितंबर के आसपास करा कर इसी साल हमारा पूरा पूरा फोर्थ सेमेस्टर क्लियर हो जाए, 2019 बैच वालों की बात कर रहे हैं, और अदर प्रशिक्षु जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उन सब की बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी संगठन बनाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा हो, चाहे थर्ड का हो, चाहे फोर्थ का भी चल रहा है, इसके बाद फर्स्ट का चलेगा, चाहे फर्स्ट का हो, चाहे जिस भी प्रशिक्षु की बात कर लें, आप लोग शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि एग्ज़ाम कंप्लीट होते होते यह पूरा सर्कुलेट हो जाए हर जगह, जिससे कि हर एक विद्यार्थी से जुड़कर इसे अवगत हो जाए और अपनी संख्या बल हमें दे सके। प्लीज़ विनती है, आप सहयोग करेंगे जितना उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और हम आवाज़ उठा सकेंगे। साथ ही अब हम जुड़ेंगे 9 बजे रात में, आप सभी के कमेंट लेंगे, अगर जो डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी दो वीडियो हमने डाला है, आप उसको देख लेंगे पीछे, अभी अब देख लेंगे, एक जॉब से रिलेटेड है और एक आपके लैपटॉप से रिलेटेड है, किसको किसको मिलेगा। धन्यवाद।